शीतला देवी कैसे प्रकट हुई, काशी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे देवी ने राक्षसों के मर्दन किए, कृष्ण से थोड़ी मिला था, काली माँ की दसवा पिता के अंतर्गत आने वाली कई देवी लीलाओं के मैंने मर्जन किया। और मेरा मूल उद्देश्य यह था कि काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, इसे आध्यात्म का मूल केंद्र बिंदु कहा जाता है और कलाकारों में भगवान शिव का अंश होता है। भगवान शिव को एक तरह से उनके नृत्य कला के स्वामी कहा गया है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये मूल उद्देश्य है कि धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से, अपने रंगमंच के माध्यम से। तो मैंने कम से कम 5 साल तक धर्म का प्रचार प्रसार रंगमंच के माध्यम से किया, लेकिन अब पिछले 5-6 साल से कुछ कलाकार हैं जो राधा कृष्ण के रूप में शादियों में इवेंट्स में वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, आप करिए ठीक है, लेकिन उसी स्वरूप में वो मूर्ति धारण करके राधा रानी कृष्ण भगवान माँ दुर्गा काली माँ बनकर के शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशीले पदार्थ खाते हैं, आपस में गाली गलौज करना और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, बहुत से ऐसे पुण्य गानों पर डांस करते हैं जिसका रिलेशन हमारे हिंदू धर्म शास्त्र से या भक्ति मार्ग से नहीं। जैसे कि हम लोगों ने किसी को 2-4-5 साल तक सिखाया, उसके बाद क्या करते हैं, वो मंडली तोड़ के निकलते हैं, वो उनसे ज़्यादा रेट उन्हें देकर के लालच उन्हें देकर के बुला करके मंडली उन्होंने खड़ी खड़ी कर ली। और बहुत से ऐसे लोग जो चाट गुलगप्पा आलू चप बेच रहे, ट्राली चला रहे, रिक्शा चला रहे, सब्जी बेच रहे, उन्हें मंडली मास्टर बनने का कोई हक अधिकार नहीं है। पहले एक प्रथा एक परंपरा थी मंडली मास्टर बने जो जनसमुदाय को अपना 10 साल 5 साल दे, जिसे भाव प्रतिभा एक्सप्रेशन श्रृंगार कलाकारी का ज्ञान। डॉक्टर अगर बने हैं तो उनके पास MBBS है, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उन्हें दुनिया डॉक्टर साहब कहती है और भगवान का दूसरा रूप पाते हैं। लेकिन बिना उपाधि पाए, बिना स्ट्रगल किए, बिना कलाकारी को जाने, आप कलाकार बन जा रहे हैं, मंडली मास्टर बन जा रहे हैं, उसके बाद जो अच्छे कलाकार हैं जो नृत्या सीता माँ दुर्गा माँ काली का रूप धारण करके वो अपना चुना चिट्ठी चला रहे हैं, चला रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सी नृत्या जो ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हैं और उनका ऑर्केस्ट्रा का क्रेज कम हो गया तो वो राधिका रानी बनकर के और वो नृत्य कर रही हैं, उसमें भी वो उत्तेजक कपड़े पहन रहे हैं। जिले की मैं सदस्य ट्रांसजेंडर बैन में मेरे बोर्ड की तरफ से ट्रांसजेंडर के लिए और कलाकारों के लिए मेरे लिए यही रहेगी, अगर कलाकार को कोई भी दिक्कत आती है या आने और जाने में असमर्थ होते हैं, रोकते हैं, तो हम उनको पूरा उनका सहयोग करेंगे, शासन से प्रशासन से उनका हम सहयोग करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे, चाहे उनको स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे उनको शिक्षा की सुविधा हो, चाहे उनको रहने की सुविधा हो, हम उनकी पूरी पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट से मांग करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ से मांग करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि आर्टिस्टों को कलाकारों को भी कुछ ऐसा नियम लागू किया जाए कि उनको भी कुछ राहत मिल पाए, उनके लिए कुछ आरक्षण हो पाए। नमस्कार, आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर वाराणसी और ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज झांकी गौरव परिवार ने, झांकी के परिवार ने आज हमें इस मंच पर जगह पर आज इन्वाइट किया है हमें। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में कलाकार कलाकारी से पहचाने जाते हैं और उनकी कला और जो उनका जो वो है अभिनेत्री का, एक छोटे कलाकार से वो अभिनेत्री भी बनता है, हीरो भी बनता है, एक छोटा कलाकार भी बनता है। मेरे बीच में झांकी मंडल के